नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्में। आप अगर एडिटिंग करते हो, चाहे वो शॉर्ट फिल्म का हो, एड फिल्म का हो, कॉरपोरेट फिल्म का हो, डॉक्यूमेंट्री हो या किसी भी तरह का प्रमोशनल वीडियो हो, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियो फुटेजेस की ज़रूरत पड़ती है और आप चाहते हैं कि ऐसे फुटेजेस हों जो कॉपीराइटेड ना हो, यानी किसी का कॉपीराइट उसमें ना हो, आपको कॉपीराइट फ्री वीडियो फुटेज मिले। अक्सर लोग YouTube से डाउनलोड करते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक वीडियो आप फ्री में या लाइसेंस लेकर के आप अपने वीडियो में, आप अपने एडिटिंग में यूज़ कर सकते हैं। इस बार मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इमेज या वीडियो फुटेज, मेनली वीडियो फुटेज को हम ध्यान में रख रहे हैं, कि वीडियो फुटेज को आप कैसे डाउनलोड करें जो आपके ज़रूरत के मुताबिक हो और बढ़िया क्वालिटी की हो, अच्छी क्वालिटी की हो, उसको कैसे आप डाउनलोड करें और अपने वीडियो की एडिटिंग के लिए आप उसका इस्तेमाल करें। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फ्री में ये काम कैसे हो सकता है। देखिए, पहले आते हैं इमेज पर। अगर इमेज को आपको फ्री में डाउनलोड करना है, ऐसा जिसका कि कॉपीराइट होल्डर कोई ना हो, यानी उसको अगर आप कहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई कॉपीराइट क्लेम ना हो, तो इसके लिए आप गूगल पर नॉर्मली सर्च में जाएंगे। जैसे आप कोई भी इमेज सर्च करने जा रहे हैं तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर हम एक सर्च कर रहे हैं। जैसे हमको सर्च करना है बैकग्राउंड, आपको अक्सर पीछे लाइटिंग वाला क्रोमा अगर कर रहे हैं या किसी भी तरह का बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है या टेक्स्ट कर डालना है तो आपको बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है। आप क्रिएटिव बैकग्राउंड आपने लिखा और उसको आप सर्च किए, इसमें आपको मिक्स्ड रिजल्ट मिलता है। मिक्स्ड रिजल्ट का मतलब है कि उसमें हो सकता है कोई कॉपीराइट फ्री भी इमेज हो और कॉपीराइटेड इमेज हो। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट मिक्स रिजल्ट आपको मिलते हैं, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग फॉर्मेट्स के आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इमेज बड़े साइज़ का हो और कॉपीराइट फ्री हो, तो उसके लिए आपको फ़िल्टर में जाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर आप जाएंगे टूल्स में, टूल्स में जाकर के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फ़िल्टर्स आपको ओपन हो जाते हैं और वहाँ पर साइज़ में लार्ज साइज सर्च करिए और दूसरा लेबल फॉर रीयूज़ को आप क्लिक करिए। इससे जो इमेज आपको मिलेंगे सामने, वो सारे इमेज कॉपीराइट फ्री होंगे। अक्सर अगर वो ओरिजिनल अपलोड किया हुआ है तो आपको काफ़ी हद तक अच्छे फुटेजेस भी मिल जाएंगे और इसके लिए आपको कहीं से कोई परमिशन नहीं लेना होगा, यानी कॉपीराइट परचेज नहीं करना होगा। तो ये तो इमेज की बात हो गई। अब आते हैं वीडियो फुटेज। अगर आपको कॉपीराइट फ्री बढ़िया वीडियो फुटेज चाहिए YouTube से, तो कैसे करेंगे? इसके लिए आप YouTube पर इस तरह से सर्च कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको फुटेज चाहिए तो उसको फुटेज के बारे में आप लिखिए, सर्च करिए और नीचे फिल्टर में जाइए। फिल्टर में जा करके आप क्रिएटिव कॉमन पर जाइए, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पर जा करके आप उसको क्लिक करिए। अब जो भी वीडियो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंतर्गत आता है और ऐसे में आप जो भी वीडियो आप डाउनलोड करते हैं उसके कोई भी पूरा पोर्शन हो या कोई मिड का पोर्शन हो या कोई पार्ट हो, उसका अगर आप अपने वीडियो में यूज़ करते हैं तो आपको किसी भी तरह का खतरा नहीं है, यानी कोई भी आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। देखा आपने कितना आसान है YouTube से कॉपीराइट फ्री अपने मन मुताबिक वीडियो फुटेज को डाउनलोड करना। अब आते हैं, अगर आपको हाई क्वालिटी के फुटेज ज़रूरत पड़े अपने वीडियो एडिटिंग के लिए, यानी जो प्रोफेशनल वर्क आप कर रहे हैं उसके लिए अगर आपको परचेज करना हो या ख़रीदना हो, या इस तरह के वीडियो फुटेज जो काफ़ी प्रोफेशनल लुक का हो और जो बड़े सिनेमाटोग्राफर द्वारा शूट किया हुआ हो, तो आप क्या करें? वैसे तो ढेर सारे इस तरह के वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपने मन मुताबिक वीडियो फुटेज को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आज बताने जा रहा हूं एक खास वेबसाइट का जो अपने आप में अनोखा है। इस तरह का दूसरा कोई वेबसाइट मेरी नज़र में अभी तक नहीं आया है जिसमें टॉप लेवल के वर्ल्ड क्लास सिनेमाटोग्राफर और बड़े कैमरे से शूट करते हैं। बड़े कैमरे का मतलब होता है जो इंडस्ट्री के कैमरे हैं, रेड, एरी, इस तरह के कैमरे से शूट किए हुए फुटेज को 2K, 4K फुल एचडी तो है ही है और 8K तक आपको मिलते हैं, रॉ फुटेज मिलते हैं, लॉग फुटेज मिलते हैं, जो भी फुटेज चाहिए वो फुटेज मिलते हैं, ताकि आप बाद में उसकी कलर ग्रेडिंग कर सकें और मन माफिक जितना मर्जी उतना अनलिमिटेड वीडियो डाउनलोड कर सकें। ऐसा नहीं कि हर एक वीडियो के लिए आपको पैसा देना पड़े, ऐसा नहीं। तो मुझे अच्छा लगा इसमें काम करके, क्योंकि इसके साथ हमने जब जुड़ाव किया और अपने कुछ एड फिल्म्स में इसके कुछ फुटेजेस का यूज़ किया तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका। इसका जो प्रोफेशनल लेवल के फुटेजेस हैं वो हमारे फुटेज के साथ काफ़ी मैच करते हैं, बल्कि उससे भी काफ़ी अच्छे हैं, तो उन फुटेजेस का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो वेबसाइट है उसका नाम है आर्ट ग्रिड। One, 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 one,
turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry, your memories spark and motivate and make the industry shake. We put the balls in the plate. I'm talking one chance at best. Yes, painting pictures for the culture, keep the brushes fresh. Took the drummer, but the drummer passion never rests. Freedom is our teacher, under pressure now we bless. Yeah, it's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. पिछली बार मैं म्यूजिक के लिए आर्ट लिस्ट के बारे में बताया था, इस बार मैं आर्ट ग्रेड के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये जो प्रोफेशनल फुटेज लाइसेंसिंग का ये वेबसाइट है ये कितना यूजफुल है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं आर्ट ग्रेड को स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्ट ग्रेड में यहाँ पर आप अगर लॉग इन किए रहेंगे तो आपका नाम यहाँ पर आएगा, चाहे वो आप इनका फ्री लाइसेंसिंग लिए हों या आप पेड लाइसेंसिंग लिए हों, यहाँ पर आपका नाम आता रहेगा और नीचे ढेर सारे फुटेजेस आते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट में वीडियो थीम दिया हुआ है कि आपको किस तरह के वीडियो थीम चाहिए, जैसे यहाँ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस पर दिया है, यहाँ फैशन है, होम है, फूड है, बिजनेस है, एजुकेशन है, इस तरह से बहुत सारे आपको वीडियो थीम्स दिए हुए हैं। नीचे लव है, पीपल है, ट्रैवल वर्ल्ड, एरियल शॉट के ऊपर है, आर्ट है, विंटेज है, तो इस तरह की किसी चीज़ को अगर आपको सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर हम लोग कोई चीज़ लेते हैं जैसे टाइम लैप्स, देखते हैं टाइम लैप्स पर क्या आता है। देखिए यहाँ पर टाइम लैप्स से रिलेटेड बहुत सारे फुटेजेस आ गए हैं, अगर आपको सिटी का चाहिए या प्राकृतिक दृश्य है या लैंडस्केप लीजिए तो हर तरह का आपको यहाँ पर टाइम लैप्स मिलेंगे। इसके आगे देखिए यहाँ पर शॉर्ट टाइप दिया हुआ है, शॉर्ट टाइप में डे नाइट, ये डे में शूट किया हुआ चाहिए तो डे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर अब जो भी आएंगे डे से रिलेटेड होंगे, कोई भी नाइट का नहीं रहेगा, यानी जो भी टाइम लैप्स है डे का होगा। यहाँ हमने सनसेट एंड सनराइज सेलेक्ट किया तो ये सब सनसेट एंड सनराइज से रिलेटेड आपको दिखा रहे हैं। नीचे है लोकेशन, लोकेशन पर आप जाएंगे तो यहाँ एक्सटीरियर है, यहाँ इंटीरियर है, एक्सटीरियर और इंटीरियर का यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप एक्सटीरियर का करेंगे तो एक्सटीरियर के जितने शॉट हैं वो आएंगे। यहाँ पर है नीचे, उसके नीचे देखिए 4K या रॉ एंड लॉग है, फॉर्मेट दिया गया है कि आपको 4K प्लस का चाहिए या रॉ एंड लॉग फाइल चाहिए, तो अगर 4K प्लस चाहिए तो 4K प्लस पर आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर स्पीड है, ये रियल टाइम चाहिए, स्लो मोशन में चाहिए, सुपर स्लो चाहिए या फास्ट चाहिए, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ फिर अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ नहीं मिलता है तो आप ये जो कीवर्ड्स हैं कीवर्ड्स को आप बंद कर सकते हैं, फिर से आप किसी दूसरे चीज़ पर जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर वीडियो एंड थीम पर गए, यहाँ हमने फैशन को क्लिक किया तो यहाँ पर फैशन से रिलेटेड सबसे पहले सारी चीज़ें आएगा, जैसे लोड होने में थोड़ा सा वक्त में लगेगा लेकिन लोड होते ही फैशन से रिलेटेड सब चीज़ दिखाई देने लगेगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी आप शॉर्ट टाइप में आप दे सकते हैं कि कैमरा मूवमेंट में आप ट्राईपॉड पर कैमरा चाहते हैं, यहाँ फ्रेमिंग है, क्लोजअप चाहते हैं, मैक्रो चाहते हैं, मीडियम चाहते हैं, लॉन्ग शॉट चाहते हैं, अगर फैशन का हम क्लोजअप चाहते हैं तो यहाँ पर जितने भी क्लोजअप से रिलेटेड शॉट हैं वो शॉट ही दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर क्लोजअप से रिलेटेड शॉट है, यहाँ पर अगर आप ट्राईपॉड को सेलेक्ट करते हैं तो ट्राईपॉड से शूट किया हुआ चीज़ ही आपको दिखाई देगा। इस तरह का जो फुटेज है कैसे हम डाउनलोड करते हैं, किस तरह से आप इसको पाएंगे, तो सबसे पहले फिर से आप अपने प्रारंभिक स्थिति में चले। यहाँ पर आपको देखिए सर्च करने का, अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं जो कि इसमें नहीं है राइट में, तो वहाँ पर सर्च करने के लिए भी आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हमको चाहिए ग्रीन स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन से रिलेटेड हम कुछ शॉट चाहते हैं। देखिए जैसे ही हमने ग्रीन स्क्रीन से रिलेटेड शॉट को सर्च किए तो अब ये जो भी फुटेजेस आएंगे यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन से रिलेटेड, जैसे हमको ये फुटेज अच्छा लगा देखते हैं, ये फुटेज देखिए आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक टैब लिया गया है और टैब ग्रीन स्क्रीन पर दिया गया है, यहाँ पर मार्किंग किया गया है ताकि अगर आप ट्रैकिंग करना चाहे तो ट्रैक पॉइंट भी आपको मिल जाए। अब इसको देखिए यहाँ पर अलग अलग रेजोल्यूशन 240, 360, 720 आपको किस रेजोल्यूशन पर देखना है, जैसे आपको 1080p पर देखना है तो 1080p को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए अब ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर देखना है कि ये शूट किस कैमरे से किया गया, देखिए यहाँ पर लिखा है ये सोनी PXW FS5 से शूट किया गया है। देखिए ये जो कैमरा है सोनी PXW FS5, रेजोल्यूशन इसका 4K का रेजोल्यूशन है, 4K UHD का रेजोल्यूशन है। देखिए यहाँ फिर से हम फैशन पर जाते हैं, फैशन पर देखते हैं कोई शॉट, जैसे हमने फर्स्ट शॉट लिया, अब इस पर हम देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कैमरा रेड
रेवन, देखिए ये जो फुटेज है ये रेड रेवन से लिया हुआ है और ये फ्रेम रेट 25 है और ये फुल 4K का है। इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप जहाँ पर आप चले गए तो देखिए यहाँ पर आपका कार्ट में 1 चला गया, यानी ये आपके कार्ट में 1 फुटेज चला गया। अब यहाँ पर चेकआउट दिया हुआ है, अगर आप चेकआउट को क्लिक करते हैं तो आपके मेल आईडी पर ये आ जाएगा इसका फुटेज। कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया, यानी आपके मेल आईडी पर इसका फुटेज आ चुका है। यहाँ पर देखिए आर्ट ग्रिड दिया हुआ है, योर फुटेज इज हियर। अब यहाँ पर आप फुटेज को डाउनलोड कर सकते हैं HD में, 4K में, MOV पर, जो भी चाहते हैं। जैसे आपने HD पर फुटेज डाउनलोड करना है तो आपने HD पर ये किया, आपको अब कुछ ही देर के अंदर देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो गया है ये फुटेज डाउनलोड होना। इस तरह से आप कोई भी फुटेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो आर्ट ग्रिड का ये वेबसाइट निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगा होगा। इसका लाइसेंसिंग तभी आप लीजिए अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो, यानी अगर आपको कहीं से पैसे मिल रहे हो, जैसे एड फिल्म बना करके, कॉर्पोरेट फिल्म बना करके, म्यूजिक वीडियो, शॉर्ट फिल्म या फीचर फिल्म बनाने के लिए अगर आप इसका यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके उपयोगी है, क्योंकि इसके जो सिनेमाटोग्राफर हैं ये वाकई में वर्ल्ड लेवल के हैं। एनीवे आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर नीचे जो इसमें लिंक दिया गया है उस लिंक के थ्रू अगर आप सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं या इसका लाइसेंसिंग लेते हैं, इसका फ्री वर्जन भी है लेकिन अगर लाइसेंसिंग लेते हैं तो आपको डिजी की वजह से 2 महीना एक्स्ट्रा आपको फ्री में मिलेगा। इसका जो लाइसेंस अवधि है जो 12 महीने का होता है वो 2 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 14 मंथ्स का आपको लाइसेंसिंग पीरियड मिलेगा और अनलिमिटेड लाइसेंसिंग आप के तहत आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे अपने कमेंट्स जरूर दीजिए क्योंकि आपका कमेंट्स बहुमूल्य होता है और उस पर हम बहुत कुछ काम करके आपको दे सकते हैं। नमस्कार। IFTA कोर्स मूवी, टेलीविजन या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन में अगर बनाना हो करियर तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं डीजी फिल्म के जरिए इफ्टा का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स। डिजिटल फिल्म मेकिंग के कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स करने के अलावा आप डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, क्रिएटिव फिल्म डायरेक्शन, वीडियो एंड मूवी एडिटिंग, मूवी स्क्रीन राइटिंग, पब्लिसिटी मार्केटिंग एंड एक्टिंग एंड मॉडलिंग क्राफ्ट कोर्स को भी कर सकते हैं। डायरेक्टर समर के मुखर्जी द्वारा आसान तरीके से समझाए जाने वाले ये पूरे विश्व में अपने तरह का एकमात्र ऑनलाइन कोर्स है जो लो कॉस्ट होने के साथ साथ पूरी तरह से प्रैक्टिकली इफेक्टिव है। इफ्टा के स्टूडेंट्स देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन कोर्सेज को करने के साथ साथ फिल्म मेकिंग के फील्ड में अपने बेहतर करियर का आनंद ले रहे हैं। ज्वाइन करिए इफ्टा ऑनलाइन कोर्स। अभी कॉन्टैक्ट करें डीजी फिल्मिंग को इस दिए हुए नंबर पर। आज ही ज्वाइन कीजिए डीजी फिल्मिंग का इफ्टा ऑनलाइन कोर्स। इट वर्क्स।